सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से बॉलीवुड में भाई भतीजावाद के आरोप लगाए जा रहे हैं और अब इस पूरे मामले पर बॉलीवुड के दबंग सलमान खान फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सुशांत के निधन पर डायरेक्टर अनुराग कश्यप के भाई और फिल्म मेकर अभिनव कश्यप ने इंडस्ट्री पर आरोप लगाए हैं, सलमान खान पर निशाना साधा है और कहीं ना कहीं इन सबके लिए सलमान खान को जिम्मेदार ठहराया है। अभिनव कश्यप ने इस संबंध में एक फेसबुक पोस्ट लिखा जो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। अभिनव ने अपनी पोस्ट में यशराज फिल्म्स की एजेंसी पर आरोप लगाते हुए लिखा, शायद इसी एजेंसी ने ही सुशांत सिंह राजपूत को ये कदम उठाने के लिए आगे प्रेरित किया हो। इस मामले की इस एंगल से भी जांच होनी चाहिए। इस तरह की एजेंसी आर्टिस्ट का करियर बनाती नहीं बल्कि बिगाड़ती है। सुशांत के इस कदम ने इंडस्ट्री के उस बड़े प्रॉब्लम को सामने लाकर रख दिया है जिससे हम में से कई लोग डील करते हैं। वैसे वास्तव में ऐसी कौन सी वजह हो सकती है जो किसी को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दे। अभिनव कश्यप सलमान खान पर आरोप लगाते हुए लिखते हैं, मेरा अनुभव भी इन सब चीज़ों से अलग नहीं रहा, मैंने भी शोषण झेला है। 10 साल पहले दबंग 2 की मेकिंग से मेरे बाहर निकलने की वजह ये थी कि अरबाज खान और सोहेल खान अपनी फैमिली से मिलकर मेरे करियर पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, मुझे काफ़ी डरा रहे थे, धमका रहे थे। अरबाज ने मेरा दूसरा प्रोजेक्ट बिगाड़ दिया जो कि श्री अष्टविनायक फिल्म्स का था, जिसे मैंने उसके हेट मिस्टर राज मेहता के कहने पर साइन किया। उन्हें मेरे साथ काम करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। मैंने श्री अष्टविनायक फिल्म्स को पैसे वापस दे दिए और फिर मैं वाईकॉम पिक्चर्स में आ गया। उन्होंने भी ऐसा ही किया, बस इस बार नुकसान पहुंचाने वाला सुहेल खान था और उन्होंने वहाँ के CEO विक्रम मल्होत्रा को धमकी दी। मेरे प्रोजेक्ट्स खत्म हो चुका था, मैंने साइनिंग फीस 7 करोड़ रुपए 90 लाख इंटरेस्ट के साथ लौटाए। इसके बाद मुझे बचाने के लिए रिलायंस एंटरटेनमेंट सामने आया, हमने साझेदारी से फिल्म बेशरम पर काम किया। सलमान खान और उनकी फैमिली ने फिल्म की रिलीज में रोड़े अटकाए। बेशरम की रिलीज से ठीक पहले उनके PRO ने मुझ पर खूब कीचड़ उछाला, मेरे खिलाफ नेगेटिव कैंपेनिंग चलाई। हालात ये हो गए कि डिस्ट्रीब्यूटर्स मेरी फिल्म्स खरीदने से डरने लगे। रिलायंस इंडस्ट्री और मुझ में इस फिल्म को रिलीज करने की क्षमता थी, लेकिन ये लड़ाई हो चुकी थी। मेरे दुश्मन मेरे खिलाफ नेगेटिव कैंपेन कर रहे थे, फिल्म के बारे में बुरा कह रहे थे ताकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ध्वस्त हो जाए। जैसे तैसे फिल्म ने 58 करोड़ रुपये कमा लिए। अभिनव कश्यप इस पोस्ट में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी बातें लिखते हैं। वो कहते हैं, सुशांत के कदम के बाद इन ज़रूरी बातों को उजागर करना बेहद ज़रूरी है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से मेघा की रिपोर्ट।